नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास है गाड़ी टाटा की जिप एक्सल, और गाड़ी में कंप्लेंट है कि गाड़ी हमारी भाग नहीं रही है। और इस गाड़ी में ये इंजन लाइट भी इसकी ऑन है, गाड़ी की ये इंजन लाइट गाड़ी की ऑन है, ठीक है। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, करते हैं ड्राइव, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। चले, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी हमारी 20 से ज़्यादा नहीं भाग रही है। कोई सा भी गियर इसमें लगा दो गाड़ी में, ये तीसरा गियर लगा हुआ है, और गाड़ी हमारी 20 से ज़्यादा नहीं भाग रही है। और चलते चलते गाड़ी पिकअप ड्रॉप कर जाएगी, फिर बिल्कुल भी एक्सीलेटर गाड़ी नहीं लेगी। ये हमारी गाड़ी चल रही है और ये चेक लाइट आ रही है, गाड़ी हमारी 20 की स्पीड में है। हमारी गाड़ी एक्सीलेटर बिल्कुल छोड़ चुकी है, ये पूरा एक्सीलेटर पैडल दबा है, गाड़ी बिल्कुल भी एक्सीलेटर नहीं ले रही है। अब चेक लाइट आ रही है गाड़ी, अब तो 20 पे भी नहीं आ रही है गाड़ी, पूरा एक्सीलेटर गाड़ी का ख़त्म हो चुका है। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोस कि गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये गाड़ी देखो बैठ बैठ जा रही है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्लच छोड़ो उठाओ, क्लच छोड़ो उठाओ, तब गाड़ी हल्का फुल्का तब पिकअप ले रही है, तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही, पूरा एक्सीलेटर का पैडल इस गाड़ी का दबा हुआ है। अब धीरे धीरे एक्सीलेटर पकड़ रही है गाड़ी, फिर भी गाड़ी 20 से ऊपर नहीं जाएगी। ये तीसरा गियर डला गाड़ी में, दूसरा गियर डला गाड़ी में, गाड़ी बैठ गई पूरी। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोस, और हमारी इसमें टेम्परेचर की लाइट ऑन हो चुकी है, गाड़ी हमारी भाग नहीं रही। करते हैं गाड़ी को डायग्नोस, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी हमारी गाड़ी नहीं बढ़ रही है, और गाड़ी अभी देखो 5 से 10 से ज़्यादा नहीं भाग रही है गाड़ी, और टेम्परेचर लाइट ऑन है, चेक लाइट भी हमारी ऑन है। गाड़ी का पूरा एक्सीलेटर ले लिया है, तब भी गाड़ी ये पिकअप नहीं पकड़ रही है, इतनी धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, बहुत ही स्लो गाड़ी चल रही है। पिकअप बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में, टाटा की जिप एक्सल एक सिलेंडर। अब गाड़ी को करते हैं डायग्नोस, ऑटोमेटिक, डायग्नोस्टिक, व्हीकल सिलेक्शन, पिकअप व्हीकल्स, जिप एक्सल, रियल पोर्ट कोड, इसमें कोड आ रहा है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन ए कंट्रोल सर्किट, सर्किट ओपन, ठीक है। ये हमारा कोड अभी कंफर्म में है, ये कोड हमारा कंफर्म है, तो कोड करते हैं क्लियर। ये कोड नहीं आ रहा है, ये कोड नहीं आ रहा, P0403। अब करते हैं इसकी वायरिंग को चेक कि इसकी प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे है। ये हमारी गाड़ी का जो EGR का जो कपलर है, ये कपलर इसका बाहर है,
ये कपलर बाहर इसका खिंचा हुआ है, ठीक है। तो इस कपलर को इसको करते हैं यहाँ पे फिक्स। ये कपलर लगा दिया है और ये जो गाड़ी जल्दी जल्दी जो फैन चला रही थी तो इसके लिए इसका स्विच चेंज किया है, ये कूलेंट टेम्परेचर स्विच इसका चेंज कर दिया है, ये इसका नया स्विच इसमें लगा दिया है। तो गाड़ी को करते हैं ट्रायल, देखते हैं प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। गाड़ी को लेके आ गए हैं ट्रायल पे, तो अब गाड़ी को देखते हैं चला के कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। पहले गाड़ी हमारी 20 से ज़्यादा नहीं भाग रही थी, 15-20, अब ये गाड़ी हमारी 20 में पहुंच चुकी है और अभी इसमें कोई भी चेक लाइट नहीं है और हमारी जो टेम्परेचर की लाइट जो उसकी आधा किलोमीटर में ब्लिंक करने लगती है वो टेम्परेचर की लाइट उसकी ब्लिंक नहीं कर रही है। तो गाड़ी को पहले ट्रायल में लेके गाड़ी हमारी 40 में पहुँच चुकी है। हमारी गाड़ी परफेक्ट हो चुकी है। गाड़ी पहले हमारी एक्सीलेटर नहीं ले रही थी तो इसकी टेम्परेचर वाली लाइट, ये जो टेम्परेचर की लाइट आ रही है यहाँ पे, ये लाइट ब्लिंक कर जाती थी, गाड़ी थोड़ी चलती थी ब्लिंक कर जाती थी तो गाड़ी एक्सीलेटर बिल्कुल ड्रॉप कर देती थी, एक्सीलेटर बिल्कुल छोड़ देती थी। तो इसका ये EGT स्विच शॉर्ट था, थर्मो स्टेट स्विच इसका शॉर्ट था, तो इसको स्विच को चेंज किया और EGR का कपलर इसका बाहर था। तो गाड़ी हमारी हो गई है बिल्कुल ओके। अब गाड़ी में कोई चेक लाइट नहीं है और ना हमारी टेम्परेचर की लाइट है ना गाड़ी में हमारी चेक लाइट है। अब गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट एक्सीलेटर ले रही है, खड़ी गाड़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।